दिन भर रोजा रखने का मकसद ये है कि इंसान इबादत करे रात जी। माशाल्लाह इबादत दिख रही है हमें। वो तो तंदुरुस्ती है। ये कीमा जो है माशाल्लाह तकरीबन 100 साल से बन रहा है। मतलब जिनको कोकनी टेस्ट पसंद है वो यहाँ पे आके जरूर रजा भाई की फिरनी ले। अयूब भाई की फिरनी हमने पिछले साल भी खाई थी। तो दोस्तों बहुत सारे मीठे के बाद में अब यहाँ पे हमें कुछ तीखा आइटम दिखा है सीख का। खाने से खाने में राबोड़ी अगर आपने रमजान की शॉपिंग वैरायटी सुपर बाजार से नहीं की तो समझो घाटे में रह गए। वैरायटी सुपर बाजार में 40 से ज्यादा खजूर की वैरायटी, फ्रोजन आइटम, डेजर्ट, सॉसेजेस, जूस एंड क्रश, ये सभी आपको मिलेंगे डिस्काउंटेड रेट पर। और सबसे अहम रूह अफजा 175 रुपए की जगह मात्र 145 रुपए में अवेलेबल है। तो रमजान की शॉपिंग का मजा लीजिए एट वैरायटी सुपर बाजार, जिनकी भिवंडी में 3 ब्रांचेस है, मंडई, खड़क रोड और 3 बत्ती पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमद, सभी का स्वागत है हमारे रमजान स्पेशल में। आप सबका इस्तकबाल। हम आए हैं रमजान की रौनक दिखाने के लिए भिवंडी शहर के अंदर। और भिवंडी शहर में अगर आप भिवंडी शहर में रहते सालों से तो आपको पता होगा कि अयूब मिठाई वाले जो है, अयूब भाई मिठाई वाले, वहाँ पे रमजान की क्या रौनक रहती है। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, इसके बाद में हम फिर चटोरी गली जाएंगे, फिर चांतरा मस्जिद जाएंगे और भी अलग अलग जगह पे जाएंगे। लेकिन हमने शुरुआत यहाँ से की क्योंकि पूरा एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी। एक यहाँ पे फूड हब हम कहेंगे, छोटा सा फूड हब रमजान के महीने में बन जाता है। तो सबसे पहले आप देखोगे अयूब भाई मिठाई वाले की जो दुकान है, इनके यहाँ पे एक तो फिरनी की गर्दी रहती है, साथ साथ में फिर मालपुआ रहता है। और उसके बिल्कुल सामने जो है यहाँ पे अभी नया आया है BCC बॉम्बे क्रीम कॉर्नर। पहले कोटर गेट पे था, फिर बाद में इन्होंने एक अपनी ब्रांच डाली है बाकी यूसुफ में, और अब यहाँ पे आए ये लोग लोगों का अपना BCC टेस्ट कराने के लिए। दोस्तों ये है कोकोनट क्रीम, ये कितने का है? 150 का ये। अरे अच्छी क्वांटिटी है यार ये। तो इसमें क्या क्या डाला थोड़ा सा बताओ। फ्रेश क्रीम है, दूध है, शक्कर है, काजू है। काजू है तो मतलब ये घर में भी लाके बना सकते हैं? हाँ, बना सकते लेकिन टेस्ट नहीं। अच्छा, मतलब टेस्ट तुम्हारे यहाँ से आएगा, ऐसा है क्या? तो थोड़ा इसको ये बता कि कोकोनट में ही क्यों देते, इसका क्या? इसमें अलग लुक आता है, फील आता है खाने के लिए। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है पकड़ो इसको। यहाँ पे अयूब मिठाई वाले के जो मालपुआ होता है, तो इस मालपुआ को खरीदने के लिए यहाँ पे लोगों की लाइन लगती है। देखिए किस तरह से यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है। और जरा लाइन दिखा दे। हाँ, तो ये बट नहीं रहा, ये यहाँ पे बिक रहा है और वो खरीदने के लिए लाइन है। मैं आपको बता दूँ, अक्सर जो है हम देखते हैं कि कहीं बटता है तो लाइन लगती है, लेकिन यहाँ पे जो खरीदने के लिए ऐसी लाइन लगी है। तो हमारे साथ में शफीक चचा है जो कि काफी फेमस है सोशल मीडिया पे, भिवंडी के सोशल मीडिया पे। तो उनको पूछेंगे कि आप भी यहाँ पे मालपुआ लेने आए क्या? जी मालपुआ खाने आए हो? अच्छा, खाने के लिए आए हैं जी। तो कैसे मतलब अयूब मिठाई वाले थे? अयूब भाई का टेस्ट तो लाखों में एक है, अमीर हो या गरीब, अयूब भाई मिठाई वाले सबके करीब। अरे वाह, क्या बात है। देखो ये खासियत है सभी चर्चा की, बहुत कच्चा कोयत वाले।
तो दोस्तों अब हम दाखिल हुए आयु भाई की होटल में। वो मिठाई की दुकान थी, अभी ये होटल है। और होटल का मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो कीमा है ये इतना फेमस है कि ये गैर रमजान में भी बहुत चलता है, और अब रमजान में तो पूछो मत। ये देखो इस तरह से यहाँ पे बड़ी बड़े पतीले जो है यहाँ पे चलाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कीमा है, फिर उसके बाद में पाया मिलेगा आपको, कलेजी है, और बकरे का गोश्त है, फिर उसके बाद में बकरे का कीमा भी है। तो हर तरह की शहरी का आइटम जो है यहाँ पे आयुब भाई के यहाँ पे अवेलेबल है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये पूरा एक फूड हब है, कि किसी को मीठा खाना है, किसी को तीखा खाना है, हर चीज़ यहाँ पे एक ही जगह पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों आयुब भाई के यहाँ पे हमारा दस्तरखान भी किया है, और यहाँ पे हम बता रहे आपको कि वही कीमा, पाया, कलेजी और हर तरह के जो है यहाँ पे पकवान, साथ साथ में फिरनी जो इनकी स्पेशल फिरनी है वो भी आई है। तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसा है। हमारे साथ में भाई भी है, तो भाई थोड़ा सा पहले आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दो आयुब भाई की, और उसके बाद में फिर हम लोग शुरू करते हैं। जी मैं ये कीमा जो है माशाल्लाह तकरीबन 100 साल से बन रहा है। 100 साल से इनके दादा साहब ने ये कीमे की शुरुआत किए थे, फिर वालिद साहब इनके यूसुफ भाई है उन्होंने शुरुआत की है, फिर हमारे खालिद भाई ने काम शुरू किए, और अभी जो है आरिफ हैंड ओवर किए। अच्छा, ये कीमा आप खाओ, ये कीमे के लिए बाकायदा बम्बई से, बांद्रा से लोग आते हैं, और मुनासिब दाम की वजह से आप ये खाना खाओ मीनारा मस्जिद की खाओ गली में, उसका बिल आएगा, और यहाँ पर खाओ उसका बिल देखो। तो बाकायदा उनका फीडबैक है कि ये बहुत ही मुनासिब दाम में हमारे 4-5 लोगों का खाना हो जाता है। फिरनी, कीमा, गोश्त, बकरे का पाया, बड़े का पाया, कलेजी वगैरह 8 आदमी 7 आदमी खाए 500-550 में फारिक हो जाते हैं। अच्छा, और ये चीज़ अगर वहाँ खाए तो एक अंदाज़ 1800-1500 रुपये, 600 रुपये आप जाके देखो दोबारा। नहीं नहीं वो तो आपको मालूम है कि वहाँ पे क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे ये कीमे को हम लोग। तो ये कीमा, ये तो हमारी स्पेशलिटी है बकरे वाली। ये जी 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 बहुत खास है, पूरा लजीज और एकदम शफाफ खाना है। मालूम पड़ता है कि खाने की क्वालिटी क्या है, मसाले की क्वालिटी क्या है, और उसको किस तरह से पकाया गया वाकई में। और ये लोग ये मेरे बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आके खा के देखो इसका जो है क्या कहेंगे गवाह। पाया भी बढ़िया है, पाया है, कलेजी टेस्ट करेंगे, सब एकदम सफाई से एकदम एहतियात से बनाते आप। आयुब भाई की फिरनी हमने पिछले साल भी खाई थी, और अभी इस साल भी ये फिरनी हम लोग ने एक बार एक जगह और खाई तो बहुत काफी मीठी थी, मीठी रहती है चावल के वो आते हैं बहुत सही है, मतलब बहुत ज्यादा मीठी नहीं है। हाँ, बम्बई के मशहूर तरीन मिठाई वालों की फिरनी खाओगे ना उसमें जो है चावल के गोले आएंगे, ये फिरनी में चावल के गोले नहीं आते, चावल के गोले नहीं आएंगे, लेकिन इसमें जो है ना खोआ काफी अच्छा आता है, मुँह में जो है ना खोए का काफी अच्छा स्वाद आता है। नाम बोलो। युसरा, तुम लोग शहरी इधर ही करते क्या रोज? नहीं अभी कहाँ करते? घर पे शहरी करते, लेकिन जाता यहीं से होगा ना? सच्ची बोला। हाँ, क्या मजा, क्या अच्छा लगता है तुम लोग को यहाँ पे? कीमा पाव। अच्छा, तुम लोग का भी फेवरेट कीमा पाव है, क्यों पाया नहीं खाते तुम लोग? हाँ, फिरनी अच्छी लगती है। वाह वाह, तो घर की होटल तो अच्छी लगेगी ना, है कि नहीं? तो और क्या नाम है? खदीजा। किस क्लास में? फोर्थ में है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या अच्छा लगता है बताओ? अच्छा, सबको कीमा, सबका फेवरेट कीमा पाव है। अरे बाप रे। और फिरनी? अच्छा, मालपुआ खाते नहीं तुम लोग? मालपुआ तुम लोग को भी लाइन लगाना पड़ता है क्या मालपुआ के लिए? बहुत लाइन रहती है ना यहाँ पे, तो तुम लोग को भी लाइन में खड़े करते क्या? नहीं करते, मजा है तुम लोग के लिए। चलो अच्छी बात है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं भिवंडी की मशहूर चटोरी गली में, और चटोरी गली की जो रौनक है वो रमजान में देखनी चाहिए, तो इसीलिए हम आपको ये रौनक दिखाने के लिए आए हैं। तो जैसे हम लोग एंटर किए तो सबसे पहले जो यहाँ पे दुकान लगी है ये है नान चाप की, और ये नान चाप क्या है थोड़ा भाई से बोलेंगे, थोड़ा बताओ भाई नान चाप क्या है? नान चाप जैसे कि ना एक बम्बई की बहुत मशहूर डिश है। हाँ। जिसके अंदर नान नॉर्मली रहता है। हाँ। और अंदर ऐसे कीमे के टाइप में। हाँ। वो रहती है, फीलिंग्स रहती है। अच्छा, और ये है ना हमारे अच्छा, भी तो मुझे तो लगा कि बकरे की चाप होगी उसके अंदर यार। नहीं, वो ऐसा नाम है उसका। अच्छा अच्छा, वैसा वो चाप नहीं है इसके नहीं, अंदर वो चाप नहीं। अच्छा, तो इसके अंदर कैसे कीमे की फीलिंग रहती है? कीमे की फीलिंग रहती है। और जैसे कि ये भिवंडी में अवेलेबल नहीं था। हाँ। अभी हमारा फर्स्ट स्टॉल है जो अवेलेबल किया नाइन चाप को। अच्छा, तो ये पहला ही साल है आप लोगों का? हाँ।
अच्छा इसीलिए नाम बॉम्बे तड़का रखा है। बॉम्बे तड़का रखा है, चलो सेम बॉम्बे का ही तड़का, बॉम्बे का तड़का मिलेगा। ये रजा स्पेशल फिरनी क्या भाई, तुम्हारी स्पेशल फिरनी में क्या है? हमारी स्पेशल फिरनी में है ये रजा स्पेशल फिरनी, भिवंडी की सबसे मशहूर और मालूम खास तौर से, और ये नया आइटम लाए ये साल हमने, कैरेमल। कैरेमल, अच्छा कैरेमल, क्या बात है, क्या बहुत ही जबरदस्त और लजीज टेस्ट है इसका। और ये चाइना ग्रास, चाइना ग्रास है ये, चाइना ग्रास हमारी इंडिया की खासियत है ये चाइना ग्रास। हाँ बहुत हमने चाइना ग्रास खाए, ये तो अपना मशहूर मंसूब, ये मंसूब है, ये आपको ज्यादातर मतलब कोकनी एरिया में ज्यादा मिलेगा इसको, मतलब ये इनकी ज्यादा डिश है, बरोबर है ना? बरोबर। हाँ हाँ असल रमजान तो इबादत से है, हम लोगों ने खाने पीने का बना दिया है, वो अपनी अपनी तबीयत हो गई है जी। लेकिन रमजान की असल हकीकत तो इबादत है, और मुसलमानों को उसी पर तवज्जा भी देना चाहिए जी, समझे ना? अब तीन बार रोजा रखने का मकसद, अच्छा यहाँ तीन बार रोजा रखने का मकसद ये है कि इंसान इबादत करे रात जी। माशाल्लाह इबादत दिख रही है हमें, वो तो तंदुरुस्ती है, वो खानदानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अब हम आगे है पूरे भिवंडी की सबसे मशहूर होटल, जो कि रमजान में, जो ऐसा लगता है कि रमजान में इनका चांद उग जाता है, सूरज निकल जाता है, रिजवान होटल। तो आप साल भर भले इस होटल का नाम सुने ना सुने, लेकिन रमजान में जरूर सुनोगे, और सिर्फ सुनोगे नहीं, थोड़ा बताओ भी क्या है यहाँ पे स्पेशल। यहाँ पे स्पेशल हलवा है, हर साल के ऐसा, हर साल के तो कुछ नया बताओ ना, कुछ नया है क्या? बाकी चाइनीज में बहुत स्टार्ट चल रहे हैं हम लोग, चाइनीज में इसलिए पूछा था कि कुछ अभी नया भी ऐसा चालू, तो हम लोगों को बताने मजा न्यारी और पाया नया चालू है, न्यारी और पाया। अच्छा ये मालपुए की तुम्हारी खासियत बताओ सर। मालपुआ रबड़ी मालपुआ है, रबड़ी मालपुआ, रबड़ी मालपुआ। अच्छा ये यूनिक जरा सा है, कुछ थोड़ा सा अलग। तो इसमें ये डबल मालपुआ भी रहता है, सिंगल भी रहता है, डबल अंडे का कैसा रहता है? जैसे कस्टमर अफोर्ड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या रेट क्या है? रेट 130 और 80 रुपये, 130 और 80 रुपये। क्या नाम है आपका? अजीम शेख। अजीम, अजीम शेख क्या? अजीम शेख, अजीम, अजीम मतलब माशाल्लाह, अजीम का तो नहीं। अजीम भाई तो आपको रिजॉर्ट होटल का मालपुआ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो बहुत सालों से आते हैं जी, नो डाउट बहुत अच्छा टेस्ट है, हर साल एक जैसे ही टेस्ट रहता है। आज की पार्टी भाई की तरफ से। अच्छा भाई पार्टी दे रहे क्या? कैमरे पे बोल दिया, देखो कल्याण रोड पे रहते हैं हम लोग। हां हां, भाई ने लेके आया वहां। अच्छा तो इंस्टाग्राम आईडी भी बता दो, फोन नंबर भी दे दो, भाई भी ना, भाई भी, भाई का आईडी दे दो ना। तो बस इतने ही बोलोगे, कैसा मालपुआ कैसा लगा वो तो बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा हर जगह से हम लोग ने कंपेयर करके देखे जी, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी वाला बोल के लाया मालपुआ भी खिलाने वाला। अच्छा ये भी तो गोला हो चुका है क्या? रमजान में क्या खास कुछ कुछ नया क्या है? अच्छा तो ये कितने साल से आप लोगों के इस तरह के रोना के रमजान में? मेरे मतलब 42 साल हो गए, 42 साल हो गए, 42। अच्छा लेकिन मेरी एज है कम से कम 76। माशाल्लाह 76, क्या बात। तो ये मतलब 42 साल से है क्या और भी? 42 साल से, 42 साल से मैंने जमाया कहीं से। अच्छा तो आप क्या कल्याण से है कि इधर ही के थे? आप हम यही के रहवासी, यही के रहवासी। तो आपने ये पूरी गली का की जमाई? हाँ मैंने चालू किया था, एक करके एक एक करके सब जाऊंगा एजेंट से। और कुछ, और कुछ पुरानी बात है गली की थोड़ा सा बताओ। नहीं गली में पहले क्या था ये सर? मैं तो सुन रहा हूँ राइस मार्केट था, राइस मार्केट था, मार्केट तो मटन मार्केट था, चावल, चावल का भी था मैं सुना। अच्छा चावल की दुकान। तो चटोरी गली कब से नाम पड़ा? अच्छा 40 साल से नाम पड़ गया, अच्छी बात है। रिजॉर्ट होटल का गौला, गौला हाँ इंशाल्लाह। ये देखो ये यहाँ पे गौला है, कैसा गौला है थोड़ा सा बताइए, कौन कौन सा गौला है? वो तो दिखा दिए, स्पेशल गोले का क्या खाता है? स्पेशल गोले के अंदर मलाई रहती है और अपना डबल अफलातून रहता है। अच्छा मतलब सादे गोले में सिंगल अफलातून, सिंगल अफलातून रहता है, और स्पेशल गोले में मलाई क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है। अच्छा और स्पेशल गोले में मलाई रहती है और डबल अफलातून रहता है, ड्राई फ्रूट रहता है। अच्छा ड्राई फ्रूट भी रहता है, एक बार आप खा के देखो, टेस्ट भी करो। नहीं खाए तो है माशाल्लाह, बहुत बार खाए, लेकिन क्या होता है कि नए नए बताने के लिए लोगों को भी थोड़ा, तो कुछ कुछ ऐसा कुछ ऐसे इजाद करो नया कुछ स्पेशल। इंशाल्लाह अच्छा हमारे अच्छा नए में हमारे पास कपूरा है, गुर्दा है, कपूरा है,
आपको कहीं मिल रही है क्वालिटी? अच्छा, मुंबई से आता है क्यों? यहाँ पे बकरे नहीं है? यहाँ के बकरों में भेजा नहीं क्या? मुंबई से माल आया। अच्छा, मेरे को लगा यहाँ के बकरों में भेजा नहीं है, मुंबई से भैया। तो दोस्तों, आज एक बात पता चली कि यहाँ पे जो भेजा आता है वो बॉम्बे से आता है, क्योंकि अब क्यों वो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन रेट सेम है। जो मार्केट रेट चल रहा है, जैसे 50 रुपए 80 रुपए स्पेशल। अच्छा, वही रेट है, सेम रेट है, क्वालिटी और साल के 12 महीने में यहाँ पर मिलते रहते हैं। अच्छा, मतलब खाली रमजान में नहीं, साल के 12 महीने अवेलेबल रहते हैं। ये देखो, ये आपको सबके लिए है क्या? रमजान के अलावा भी आपको आना है तो साल के 12 महीने यहाँ पर आपको दस्तियाब मिलेगा। जी जी जी। तो दोस्तों, जो इसको गोला खाने के लिए, रमजान गैर रमजान में भी अगर गोला खाने का दिल है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे रमजान के अलावा भी साल के 12 महीने यहाँ पे गोला मिलता है। दोस्तों, ये एक दुकान ऐसी जहाँ पे हमको कस्टर्ड दिखाए, तो थोड़ा सा कस्टर्ड के बारे में ये, आप लोग मतलब होम मेड है कैसा है? बाहर से मंगवाते हैं? नहीं, घर में बनाते हैं सर। घर में बनाते हैं? घर में बनता है। अच्छा, तो क्या खास बात है कस्टर्ड? अंडा है ना? हाँ, बात है। अच्छा, कितने का बेचते हैं? 25 रुपए 25 रुपए का है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, बहुत सारे मीठे के बाद में अब यहाँ पे हमें कुछ तीखा आइटम दिखा है, सिकता। और वाकई में यहाँ की जो जो धुआं उठ रहा है, जो खुशबू आ रही है, तो उससे मेरे को बोलने भी नहीं आ रहा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो थोड़ा कुछ बताएंगे चेता आपके सिक्के बारे में? लोग क्यों आना चाहिए? अच्छा, यहाँ पूछूंगा, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा भाई? कहाँ से है? कहाँ से है? थाने से है। थाने में कहाँ? रापोड़ी। रापोड़ी सेकंड रापोड़ी। अच्छा, कैसा टेस्ट? कैसा है? खाली आप बताओ तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। टेस्ट एक नंबर है भाई। अच्छा, ये चाचा का, हम लोग राबोड़ी से इधर तक आए खाने के लिए। कहा चाचा का? क्या नाम है तेरा? हाँ, कौन सी स्कूल में आता है? अरे वाह, तभी तो इतना स्मार्ट है ना। कितनी में? चौथी। चौथी में। कौन है तेरी? निस्बत में से क्या? क्लास टीचर कौन है? अच्छा, ये सीख पे आप लोग जो कंटिन्यू हवा कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब? बोलो, तुम बोलो इसको। ये कच्चा रख के तैयार करते हैं इसको, फिर इसको फ्राई करके। आदत हो गई है। इसकी जगह पे पंखा लगा दिए तो नहीं मजा नहीं आई? नहीं मजा आएगी, मतलब सीख में टेस्ट बदल जाएगा? बदल जाएगा। अच्छा, इसके लिए हवा करना? इसके लिए हवा करना। तो दोस्तों, अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग को भी मजा नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। हम दूसरी वीडियो इंशाल्लाह चांदतारा मस्जिद और आगे के जो और भी जो दुकानें हैं, जिस तरह की बाजारें लगती है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ इसी बने रहे, इसको आप पार्ट वन समझिए, और यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे अगर आप आके आपने कुछ खाया है तो कौन सी दुकान का आपको क्या अच्छा लगा, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताना। और हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज मेमन, दवाई से। थैंक यू।